कब तक आप लोगों के आश्रय पे पड़ी रहूंगी? और फिर ईशल भी तो है, जॉब कर लूंगी तो कुछ आसानी हो जाएगी, और सोची हूँ कि पुराने घर में शिफ्ट हो जाऊँ। इस घर में क्या प्रॉब्लम है मैमल? हाँ, तुम तो वैसे भी हमारी अपनी हो, हमारी जिम्मेदारी हो, यही रहो ना। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं सैलून जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। कोई दावत है? नहीं, क्यों? इतना तैयार होकर जो जा रही हूँ? मेरा दिल कर रहा था तैयार होने का। क्यों, कोई एतराज है आपको? नहीं बेटा, वो तुम्हारा ड्रेस देख के समझी के कहीं जा रही हो शायद। इसमें एतराज की क्या बात है? दिल ने से इतना सवाल तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर अब आप लोगों के सवालात खत्म हो गए हों तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ। खुदा, तुम भी ना मौका देखती हो ना महल, बोले चली जाती हो। पता है कि उसका मूड खराब है। माँ, आपको जो करना है कर ले। इस लड़की के तेवर बता रहे हैं, ये घर अब बसने वाला नहीं है। अल्लाह ना करे, क्यों ऑल फॉल बोल रही हो? सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपको देख नहीं रहा, वो ये घर नहीं बसाने वाली है। हमने भी खामखा शक करके उसे अपसेट कर दिया। ऐसी भी कोई कयामत नहीं आ गई है। जिन्हें घर बचाना होता है ना, वो बचा ही लेती है। मैं अपने कमरे में चलती हूँ, ताई आप लोग बात करें। अरे नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? नसीब तो हमारे भाई का टूटा है, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? अच्छा बस भी कर दो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। मामले बनाए जाते हैं, बिगाड़े नहीं जाते। शुरू शुरू में आजमाया जाता है घर वालों के नफ्स को, झंझोड़ा जाता है उन्हें, तब कहीं जाके घर आबाद होते हैं। अब देखो, आज पार्लर गई है ना, वो शौहर के लिए गई है अपने। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हो सकता है वो दोनों कहीं बाहर लंच पे जा रहे हो, हमसे नाराज है इसलिए शायद बताना ना चाह रही हो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। पहुंच गए तुम लोग। अस्सलाम सर। आई नो सर, आपको मॉल में आना मुश्किल होगा। क्या करूं यार, इन लोगों ने बहुत ख्याल किया था सिंगापुर में मेरा। सो हाय, हाउ आर यू? माय मैनेजर अभी प्लीजी। मैनेजर हाय, हाउ आर यू? प्लीज प्लीज कम।
क्या कहूँ? देखो क्या कहता है। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। क्यों? सुबह से बात नहीं हुई थी ना, तो इसलिए। कहाँ हो तुम? मैं सलून में हूँ। हेलो, हेलो, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गलती? इन सब की गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं। एक गलती करके थोड़ी देर की खुशी हासिल करने का हक तो हमें भी है, राइट? खुशी? खुशी कोई नहीं होने देता। दिलनशीन प्लीज यार, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि तुम्हें अपने बिल्कुल सामने देख सकूं, तुमसे बातें कर सकूं, तुम्हें महसूस कर सकूं, तुम्हारा मूड बेहतर कर सकूं। प्लीज प्लीज अपना मूड सही करो। आई जस्ट डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस, प्लीज। मशीन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। अगर मेरे नहीं हो? बन तो सकता हूँ और बन कर दिखाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? है एक जगह, सिर्फ वो दिलनशीन बीबी के सामने जिक्र मत करना कि मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है सर। ठीक है, कैसे? मुझे कहाँ लेकर आया हमसा? कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के लिए बनवाया है, तुम्हारे शोहर से। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो ऐसे कंफ्यूज हो रही हो कि हैदर तुम्हारे सामने बैठा है? मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हर दीवार से हैदर की आंख मुझे देख रही है, घूर रही है। क्या फर्क पड़ता है, दीवारें ही तो हैं। खामोश, बेबस, क्या कर सकती है? हमसे तुमने क्या बात करनी थी वो कहो। याद करती हो मुझे? करती थी। प्यार करती हो मुझसे?
करती थी। और अब? अब मैं परेशान रहती हूँ, झुंझलाई फिरती हूँ, गुस्से में रहती हूँ। मैं रेत के किनारे घर बनाती हूँ, लहरें आती हैं और मेरे घरौंदे अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। कोई भी मेरा घरौंदा बसने नहीं देता, न महमिल, न माँ और ना ही तुम। पर हैदर, वो बेचारे तो खुद मेरे साथ अपने घरौंदों को रो रहे हैं। उससे बड़ी हमदर्दी हो रही है। हाँ, बस एक उनको मुझसे हमदर्दी नहीं होती। निभाने की कोशिश करते हैं मगर फिर बेबस हो जाते हैं। आजाद कर दो उसे। क्या मतलब? तलाक ले लो उससे। इतना आसान नहीं है। साथ रहना भी तो मुश्किल है। दिलनशीन, चंद खुदगर्ज रिश्तों की वजह से अपनी जिंदगी अजाब में मत डालो। अलग हो जाओ। मैं अकेले ऐसा नहीं कर सकती। तुम तुम्हारे साथ हो। तुम तो पहले भी साथ हैं। पहले भी बस था, अब इंडिपेंडेंट हो। दिलनशीन, हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी जिंदगी बना सकते हैं। कोई हमें नहीं रोक सकेगा। सोचो इस बारे में प्लीज। चले। इतनी जल्दी? अभी तो मैं सब प्लीज ना मैं पहले ऐसी थी और ना मैं अब ऐसी हूं। मेरे शौहर को मुझ पर एतबार नहीं है मगर ये उनकी बदकिस्मती है। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने अपने घर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। प्लीज चलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। अच्छे जवाब का मंतजर रहा हूँ। चले। मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी जिंदगी बना सकते हैं। कोई हमें नहीं रोक सकेगा। सोचो इस बारे में प्लीज। इनकार कर दिया? इनकार कर दिया? फिक्र मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। जबरदस्ती किसी के घर बहू बनकर नहीं जाया जा सकता। हमजा, आई लव यू। दिलनशीन, I love too. नहीं, मैं कहता हूँ किसे घर से बाहर निकाले। अभी कभी से घर से बाहर निकाले, कहीं भी जाए, इससे हमारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। निकलो यहाँ से बाहर। मैं कहता हूँ निकलो। वादा करो, तुम उस घर को खुशियों से भर दोगी।
अपने दुख की परछाई कभी उस घर पर या उस रिश्ते पर नहीं पड़ने दूँ। वादा करती तेरी सास तेरे शौहर के साथ आई थी मुझसे तेरे आशिकों की फेहरिस्त मांगने के लिए। बोल कितने आशिक पाल रखे हैं तूने? चंद खुदगर्ज रिश्तों की वजह से अपनी जिंदगी अजाब में मत डालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो पहले भी साथ हैं। पहले भी बस था, अब इंडिपेंडेंट हूँ। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गई? बताया तो था, सलून जा रही। अरे भाई, अगर वहां जाने से मूड इतना खुशगवार हो जाता है तो रोज चली जाया करो। कमाल का सलून लगता है, बहुत दिल को करार देता है। जी अच्छा लगता है मुझे वहां जाकर, फ्रेश हो जाती हूँ। पहले तो चेहरे पे ऐसी चमक नहीं थी। नया खुला है क्या? नहीं, काफी पुराना है, एक दो साल हो गए हैं। पुराना ताल्लुक होगा, शादी से पहले का, तभी तो चेहरे पे वो रौनक है जो मैं ना कर सका। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं। चेहरा देख के समझने की कोशिश कर। क्या फेशियल करवाया तुमने? जी। चलें, आप लोग बैठे, मैं अपने रूम में जाती हूँ। नहीं बेटा, जाओ नहीं, हमारे साथ मिलकर बैठो ना, इतने दिन के बाद तो हम सब हंसी खुशी साथ साथ बैठे। जाने दीजिए माँ, जाने दीजिए दिलनशीन को। बहुत बड़ा दिन है इसकी जिंदगी का आज। Excuse me. हैदर, अब उसे कुछ मत कहना। अल्लाह अल्लाह करके तो अब घर का माहौल अच्छा हुआ है। ताई अम्मी बिल्कुल ठीक है, इतनी स्पेस तो हमें उसे देनी चाहिए ना। सैलून से आई है, फ्रेश लगती है, खूबसूरत भी है ना हैदर? क्या सोच रहे हैं? खैर, मुझे अब परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने जो छेद कश्ती में कर दिया है वो खुद बखुद इस कश्ती को डबो देगा। मुझे बस दूर खड़े होकर तमाशा देखना है। किससे अपने ख्यालों में कलाम कर रही हो? जी? आखिर मसला क्या है आपका? क्यों जुमे ने जुमले बोले चले जा रहे हैं? चुभ रहे हैं जुमले।
हाँ जुमले भी, ये लहजा भी और नजरें भी। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? कहाँ गई थी? क्या मतलब कहाँ गई थी? बताया है सैलून गई थी। मैं भी मॉल गया था एक डेलीगेशन के साथ मीटिंग पर। मॉल तो ये कि मॉल के बाहर मैंने अपनी गाड़ी देखी थी। हाँ तो कुछ चीजें लेनी थी। क्या क्या मतलब क्या? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या लेने गई थी मॉल। आपको पता है आपका मसला क्या है? आप ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहते क्योंकि आप कभी सही नहीं हो सकते। आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई घटिया सा इल्जाम लगाएं और मुझे इस घर से बाहर निकाल दें और फिर अपनी उस प्यारी सी महमल को इस घर में शादी करके ले आए, है ना? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने अगर महमल से शादी करनी हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे। मैंने भी अगर अफेयर चलाना हो तो दुनिया की कोई ताकत मुझे भी नहीं रोक सकती। रोक सकती है शौहर की ताकत, रोक सकती है। तब बताओ क्या लेने गई थी मॉल? नहीं मिली मुझे चीजें। बेगम साहिबा खाना लगा दिया है। ठीक है, हैदर भाई को भी बता दो। जी। क्या हुआ है तायमी, तबीयत तो ठीक है आपकी? पता नहीं। हैदर भाई बेगम साहिबा कह रही है खाना खा ले आके। नहीं मुझे भूख नहीं है। सोचना कैसा, आप चले मैं आपको लेके चलती हूँ, बल्कि मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ उससे। बेगम साहिबा हैदर भाई कह रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं है। अब फिर कुछ हो गया? अच्छा जाओ भाभी को बुला के लाओ। जी अच्छा। तायमी दोनों बड़े हैं, मैच्योर हैं, बेहतर है कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें। बेटा घर बड़ों की रहनुमाई के बगैर नहीं बसते, खास तौर पर जब प्यार भी ना हो, बस एक कॉम्प्रोमाइज हो। भाभी भी कह रही है कि उन्हें भूख नहीं है। फिर वही झगड़े। ठीक है बस मुझे भी नहीं खाना। तायमी, तायमी संभाले अपने आप को, क्या हुआ आपको? मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं। हैदर, हैदर जल्दी आओ। तायमी, रिलैक्स,
क्या हुआ है? सर, मेरा। अच्छा आप एक मिनट, शायद को कॉल कर लो, मैं कमरे में लेके जाता हूँ माँ को। माँ, बीपी बहुत हाई है। कितना है? आंटी कब से चल रही है? काफी दिनों से। माँ आपको बताना चाहिए ना। बेटा तुम लोग अपनी परेशानियों में लगे रहते हो। ये इसका क्या मसला हो गया? कोई मसला नहीं है। Is everything is all right? हाँ शायद सब खैरियत है। तुम बताओ कि दवाई क्या देनी है माँ को? मैं तुम्हें टेस्ट लिख के देता हूँ, तुम वो करवा लेना। कैसे हो? तुम्हारा फोन आया तो खुश हो गया हूँ। हैदर को शक हो गया है? वो तो उसे हमेशा से ही था। माँ को देखने के लिए नीचे तक नहीं आई। सच कहते हैं, यूं जबरदस्ती नहीं चलते। मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। चाहती क्या है? साहब, मैंने बहुत सोचा, अब मुझे भी यही लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। घर ऐसे नहीं चलते। तो कर लो ना फैसला। कैसे कर लूं फैसला? तुम पर भरोसा नहीं है मुझे। दिलनशीन, आई अंडरस्टैंड कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था और भरोसा करना मुश्किल भी है, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ और हमारे लिए हर एक से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये तो जानती है ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन इस तरह से हर बात को दिल पे तो नहीं लिया जाता। आपको अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे फेस करूंगा? मैं जानती हूं बेटा, मगर मैं क्या करूं बेटा, दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम्हारी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती है, और तुम जानते हो मैं हमेशा से सुलह जो और अमन पसंद हूं। जानता हूं, पर मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है हैदर। तुम्हारा रुख दूसरी जानिब है, उसका रुख दूसरी जानिब। साथ खाने की मेज पे आने के तो रवादार नहीं हो तुम दोनों। न जाने कमरे में कैसे ताल्लुकात होंगे। खामखा परेशान हो रही हैं आप। कह रहा हूं आपसे कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। सोने की कोशिश कीजिए। मेहमल्ला, अगर हो सके तो माँ के पास रुक जाओ। शो, डोंट वरी, मैं ही हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में। थैंक यू सो मच। मैं आता हूँ। उसी हिस्ट्री की वजह से कह रही हूँ। अगर हिस्ट्री रिपीट हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। सब कुछ करने का इख्तियार रखता हूँ।
अगर मैंने हैदर से तलाक ले ली और तुमने भी मुझसे निकाहा किया तो? दिलनशीन, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ट्रस्ट मी। ओके, बस आखिरी बार मुझ पर भरोसा करो, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं हैदर से बात करूंगी। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ हमजा। तुम हमजा से बात कर रही थी? जी, उसी से बात कर रही थी। इतनी डर, इतनी दीदा दिलेरी कि तुम इस बात को मेरे सामने कबूल कर ली? ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना चेहरे पे कोई शर्मिंदगी, ना आंखों में, क्या ये सब? ये लिहाज भी आप लोगों के शक ने ही मेरे अंदर से खत्म किया है। थक चुकी हूं मैं अपने किरदार की पाकीज़गी की गवाहियां दे देकर। अब और नहीं, जब इल्जाम लग ही रहा है तो फिर उस चीज पे लगना चाहिए ना जो मैं करूं। कम से कम इस तरह मेरे दिल को ये तो सुकून होगा कि मेरे साथ वो शख्स खड़ा है जो मुझसे प्यार करता है। शीन! पहले शायद सह जाती मगर अब और नहीं। ना मैं अब आपकी सुनूंगी, ना ही मानूंगी। वो ही करूंगी जो मैं करना चाहती हूं। वाह भाई, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जब आप तब खुश होते थे जब दिलनशीन आपके साथ थी। दिलनशीन कभी कहीं गई नहीं, ना मेरी जिंदगी से और ना मेरे दिल से। जा तो वो चुकी, तुम्हारी जिंदगी से वो उसी वक्त चली गई थी जिस वक्त वो हैदर की बीवी बनी। क्या फिर से कुछ चल रहा है तुम्हें? तुम इतना क्यूरियस क्यों हो रही हो कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मैं क्यों इतना खुश हूँ, क्यों इतना उदास हूँ, क्या हूं, खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ? तुम्हें क्या इंटरेस्ट? मुझे इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। रिदा, ये मेरी जिंदगी है और ये मेरी मर्जी से चलेगी। तुम्हें मैंने ये इख्तियार कभी नहीं दिया कि तुम मेरी जिंदगी पे कोई तबसरा करो और मैं तुम्हारी बात मानूं या तुम्हारे कहने पे चलूं। ओके? तो इसका मतलब है तुम्हारा अफेयर अभी तक चल रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस। मेरा कहां क्या चल रहा है इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। बहन हो ना तुम मेरी, बहन हो ना, तो देखो देखो मेरा चेहरा, देखो कितना खुश हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है? खुशी देखी नहीं जा रही? नहीं देखी जा रही मेरी खुशी? जो हंसी है ना, ये जो खुशी, सब वक्त ये एक दिखावा। वो तुम्हारी जिंदगी पहले बर्बाद कर चुकी। इस बार अगर तुम टूटे ना, तुम जुड़ नहीं पाओगे।
चल रही है। लेट मी लिव प्लीज। प्लीज मुझे उस पेशेंट की तरह कंसिडर करो जो वेंटिलेटर पे है और अपनी मस्तूई सांसों को अपनी जिंदगी समझ रहा है। Have a good day.